सुनता है। तो जितनी भी इंद्रियां हैं एक दूसरे से विपरीत भागती हैं। कान अपना संगीत की ओर भागता है, आगे रूप की ओर भागती है, नासिका गंध की ओर भागती है, हाथ स्पर्श की ओर भागते हैं, पैर जहां अच्छा लगे उस दिशा में भागते हैं। दसों की दसों इंद्रियां एक दूसरे के विपरीत भागती रहती हैं। हम समझ भी नहीं पाते और रोक भी नहीं पाते। सब की सब अगर इंद्रियां भागने लगे और एक साथ भाग ले तो हमारा ये शरीर शरीर नहीं रहेगा, निकल निकल करके भाग जाएगा, सब का सब खंड खंड हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। आपको देखकर ऐसा लगता होगा कि ये ऐसा तो आज तक नहीं हुआ और ये क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, लेकिन आप लोगों के साथ ये हर रोज ही होता है, हर पल ही होता है ये। क्योंकि जब सुनने की इच्छा होती है तो हम सुनने की ओर भागते हैं, लेकिन दूसरा कार्य कुछ और निकल आता है, उस ओर भागते हैं। हमारा मन उस ओर भाग रहा है, हम जा उस ओर रहे हैं, हम एक साथ तालमेल नहीं कर पाते। जब तक मन का तालमेल नहीं होगा, इस मन के ऊपर काबू नहीं होगा, मन के ऊपर प्रभाव नहीं होगा, तब तक हम दूर ही हटते चले जाएंगे समय से, कितना भी खोजते चले जाएं, जितना हम खोजेंगे उतना ही उससे दूर हटते चले जाएंगे। ये नियम है संसार का, ये नियम है उस ब्रह्म का। क्योंकि जिसको खोजना नहीं, बस जो भूल हुई है, जिसको हम भूल गए हैं, बस उसको याद करना है, उस भ्रम को दूर करना है, यही उस परमात्मा की शक्ति की खोज है, यही उस एक ही वस्तु के अनंत अनंत नाम है। लेकिन हमें स्वयं को अंदर में उतर जाना है। इस हाथ के अंदर कुछ भी पकड़ने की ताकत होती है, आंखों के अंदर देखने की ताकत होती है, लेकिन यही ऊर्जा जब हम बाहर बिखरने की बजाय अंदर में समेटने लग जाएंगे, जब ये अंदर में एकाग्र हो जाएगी, तब हम ऊर्ध्वगामी होने लगेंगे, आगे की ओर बढ़ने लगेंगे, हमारी खोज की शुरुआत होगी। लेकिन उसके लिए हमें कुछ न कुछ दिशा का तो चुनाव करना ही होगा, कहीं ना कहीं तो आगे बढ़ना ही होगा, नहीं तो इसी तरह से संसार के अंदर जो आज चल रहा है, जो आज आप देख रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो सुन रहे हैं, इससे कुछ भी प्रभाव नहीं होगा। क्योंकि ये सुनना भी एक विषय है, आप सुन करके इसी तरह से उदाते हुए चले जाएंगे, इसी तरह से बिखरते हुए चले जाएंगे, लेकिन जो सुन करके उस रास्ते के ऊपर चलेगा, अभ्यास करेगा, एक अभ्यास ही ऐसी ताकत है, एक अभ्यास ही ऐसा तरीका है जिसके द्वारा वहां पहुंचा जा सकता है। जो अभ्यास करता चला जाएगा वो आगे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि अभ्यास से ही आभास होता है। जिस प्रकार से आप देखना, आप एक ही घर में रहते हैं, एक ही मकान के अंदर रहते हैं, बहुत वर्ष हो गए रहते, अगर कभी लाइट भी चली जाए, अंधेरा भी छा जाए, तब भी आपको पता होता है यहाँ क्या रखा है, यहाँ कुर्सी है, यहाँ मेज है, यहाँ चारपाई है, यहाँ वो सामान रखा है। आप सब जानते हुए भी जो भी कुछ कोई मांगेगा तभी उठा करके दे देंगे, अंधेरा होने के बावजूद। तो इसी प्रकार से जब आपका अभ्यास परिपक्व होने लगेगा तो आप उस ओर बढ़ने लगेंगे, आपको सब कुछ दिखाई देने लगेगा, आपको अगर दिखाई न भी दे तो भी अनुभव तो होने ही लगेगा, आभास तो होने ही लगेगा, कुछ न कुछ उस परमात्मा के इशारे आने को आरंभ हो ही जाएंगे। लेकिन उसके लिए ध्यान तो करना ही पड़ेगा, उसी को एक खोज के लिए अनंत अनंत नाम दिए गए हैं। चाहे आप भक्ति कहिए, चाहे आप ध्यान कहिए, चाहे प्रेम कहिए, चाहे जो भी उसको नाम दीजिएगा, लेकिन उसी एक सत्ता को स्वयं को पाने के ये सब सब जितने भी अलग अलग नामों से, अलग अलग पहचान से सब कुछ
उसी के लिए किया गया है और उसी का सारा खेल है और उसी का रास्ता दिखाया गया है, लेकिन हम समझ नहीं पाते, हम अटक करके रह जाते हैं, हम भ्रमित होते चले जाते हैं और हम अति के ऊपर उतारू हो जाते हैं। कोई देखा हमने व्रत करने लगते हैं, हमारे केवल हिंदू ही नहीं जैन जैनों के अंदर भी अठई करते हैं, 8 दिन का व्रत पोषण के बाद नवरात्रि किए जाते हैं। व्रत तो कर लिया जाता है, लेकिन विचार देखना कहाँ होता है हमारा। आप लोग भी बहुत यहाँ बैठे हुए हैं करते होंगे, लेकिन विचार कहाँ होता है। हम नहीं चाहते कहीं होटल के पास से भी गुजरे या वहां जाकर के बैठे, अगर बैठ गए तो बड़ी मुश्किल आती है, हर कोई खा रहा है पी रहा है लेकिन हम नहीं खा रहे। हम हमारे अंदर ईर्ष्या पैदा हो रही है कि हम भूखे हैं और ये लोग किस तरह से मजे उड़ा रहे हैं, मजे लेकर के दावत उड़ा रहे हैं, हमारे अंदर चल रहा है लेकिन लालसा आशा एक ही कि ये तो आज खा रहे हैं हमें ऊपर मिलेगा, कल को वृक्ष होगा जो मांगेंगे वही मिल जाएगा, ऊपर स्वर्ग है अगर हम व्रत करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, भिन्न भिन्न प्रकार की हमने आशाएं जोड़ ली हैं। बंधन तो था ही, वो बंधन लगा लिए हैं, वो बंधन बढ़ते चले गए। जिस दिन शुरुआत में व्रत किया उसी दिन से 9वें दिन की हम सोचने लगे कि उस दिन हम व्रत खोलेंगे, उस दिन ये बनाएंगे, उस दिन ये करेंगे, हमारे अंदर चल रहा है, मन के अंदर पैदा हो रहा है विचार, रोक नहीं पा रहे हैं। भजन करना तो दूर, हम एक मंदिर के अंदर जा करके बैठ जाते हैं, अगर मंदिर के अंदर नहीं बैठते तो घर के अंदर ये मंदिर बना लेते हैं, कारण ताकि हमारे मन के अंदर संतुष्टि हो सके, ताकि 2-4 और व्यक्ति जो हमारे साथ व्रत किए हुए हैं वो भी बैठ जाएं, ताकि हमें ये महसूस हो कि ये भी उसी नाव में सवार हैं, इस नाव के अंदर हम सवार हैं, हम सब व्यक्ति उसी नाव के अंदर सवार हो जाते हैं और मन को बड़ी संतुष्टि मिलती है कि ये कर रहा है वही मैं कर रहा हूँ, लेकिन बोझ नहीं पाते, उसे दूर हटते चले जाते हैं। 8-10 दिन व्रत किया और फिर शुरू हो गया, फिर 5-7 दिन जितना व्रत किया था उससे भी ज्यादा ज्यादा शरीर के ऊपर खाते चले गए, पीते चले गए, जितना हमने उसको रोका था उससे ज्यादा बढ़ा दिया,